चित्रकूट जिले में एक ऐसा परिवार है जिसमें दो पीढ़ी के नौ लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया है। जिले के तरहा गांव के करवरिया परिवार से नौ लोगों ने देश की आजादी में अनेक आंदोलनों जैसे नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में जेल व जुर्माने की सजा पाई थी। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित देवी दयाल करवरिया के पुत्र शिवशंकर करवरिया व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जगदीश प्रसाद करवरिया के पौत्र नंदकिशोर करवरिया ने कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि आजादी का मतलब समाज के सबसे निचले अंतिम व्यक्ति को भी उनका हक मिले। अगर कोरोना काल की बात करें तो मोदी और योगी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। इस संकट में सभी वर्ग के गरीबों का पूरा ख्याल रखा गया है। गरीबों को जहां निःशुल्क अनाज, मुफ्त गैस सिलेंडर हो या जनधन खातों में 500 रूपये हो या श्रमिकों को 1,000 रूपये तथा गांव में ही रोजगार की व्यवस्था हो, ये सभी योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। हमारे यहाँ के लगभग 800 लोग स्वतंत्रता संग्राम करवरिया परिवार से रहे और मेरे पिताजी श्री दीनदयाल जी करवरिया और उनके पिताजी श्री मुरलीधर करवरिया वो भी स्वतंत्रता संग्राम से नानी रहे और नमक तोड़ो आंदोलन में 47-42 में जेल गए। समय मोदी सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है, काफी प्रयत्नशील है और गरीबों को भी उन्होंने राशन दिए हैं दिसंबर तक के लिए। मेरे परिवार से तो 9-10 लोग हैं जो खाली मेरे ही परिवार से फ्रीडम फाइटर रहे, जिसमें मेरे बाबा, बाबा के पिताजी पंडित राम भौरी करवरिया, पंडित जगदीश प्रसाद करवरिया, पंडित मुरलीधर करवरिया, पंडित जगन्नाथ करवरिया, ऐसे तमाम फहरिस्त में नाम है जो मेरे ही परिवार से रहे और उन्होंने इस देश के लिए बहुत सा योगदान दिया और बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और बहुत सा सहयोग दिया इस देश को। सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए जो अपना सर्वस्व निछावर किया है या सरकार की पूरी शक्ति लगा रखी है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत संतोषजनक और सही दिशा पर बढ़ते हुए कदम हैं। जैसे कि देखिए, सारे समाज को, सारे गरीब लोगों को सिलेंडर देना, अनाज देना, फ्री ऑफ कास्ट अनाज वितरित करना, लोगों को तमाम तरह से हॉस्पिटल तैयार करना और हॉस्पिटल की बहुत सारी सुविधाएं जो जिसपे पूरा शासन प्रशासन तंत्र लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सरकार की तो एक भी त्रुटि नहीं दिखाई दे रही।